Hello guys, so indeed a very very important information for all the lovely CA, CS, CMA aspirants. So जैसा कि आपको पता है about money laundering क्या होता है बताइए मुझे, converting the black money into white money, जो illegally money कमाते हो ना उसको आप white money में convert करने की कोशिश करते हो, that is called as money laundering, which is a legal offense, ठीक है, which is illegal. और ये सब चीजों को देखने के लिए ना हमारे यहाँ पे भारत में एक एक्ट पास किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो अब पीएमएलए एक्ट को ना एप्लीकेबल कर दिया गया है ऑन ऑल द सीएस, सीएस एंड सीएमएस. इसका मतलब क्या हुआ मैम, ध्यान से सुनिएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन लाया है, ठीक है, 3rd of May 2023 को, जो कि क्या बोलता है, एज पर द रिलेवेंट सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, द सेंट्रल गवर्नमेंट हियर बाई नोटिफाइज that the financial transaction carried out by a relevant person on the behalf of his client in the course of his or her profession in relation to the following activities: buying and selling of an immovable property, managing of the client money, management of the bank, organization of contributions for the creation or the management of the companies, theek hai, shall be an activity for the purpose of the said subsection. Yani for the purpose of this notification, रिलेवेंट पर्सन को जो डिफाइन किया गया था पहले, इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग, देखो ध्यान से क्या बोला है, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, एंड क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन्ड अंडर कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट, व्हिच मींस के ऑल द सीएमएस इन प्रैक्टिस. यस, सो यू हर्ड इट करेक्ट. यानी इसका मतलब कोई भी सीए इन प्रैक्टिस या फिर सीएस इन प्रैक्टिस या फिर एक सीएमए इन प्रैक्टिस अनोइंगली या नोइंगली इंटेंशनली अपने क्लाइंट को असिस्ट कर देता है मनी लॉन्ड्रिंग करते दौरान, यानी कि वो भी पीएमएलए के परव्यू में आ जाएगा, क्लचेज में आ जाएगा, ठीक है. तो आप जब भी अपने क्लाइंट का ट्रांजेक्शंस करो या क्लाइंट के बिहाफ में कोई डीलिंग करो तो भाई बहुत सतर्क होकर करिएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है. गलती से भी आप ना मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट मत बन जाना, नहीं तो पीएमएलए के सारे प्रोविजंस आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे जो कि पहले नहीं था. तो चाहे आप सीएन प्रैक्टिस हो या सीएमएन प्रैक्टिस या सीएसएन प्रैक्टिस, पीएमएलए जो है ना आपको भी अब अपने क्लचेस के अंदर ले लिया है, तो सतर्क होकर अपना काम करिए, ठीक है, उसी में सबका भलाई है, ठीक है. तो कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन पक्का कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा. आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस अनाउंसमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर पूछ सकते हैं. एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स, ठीक है. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन. थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय.